हेलो फ्रेंड्स, मैं आपके दोस्त मोनिका आज आपके सामने फिर से एक नया डिज़ाइन लेके आई हूँ। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको पसंद आएगा। तो ये देखिए, ये मेरे 12 पीस हैं, ये मेरे 2 पीस हैं जो 8-8 इंच के हैं। ये मैंने कुछ पाइपिंग की पट्टियाँ काट लिया फ्रेंड्स, और ये मेरे 4 पीस हैं जो 8-8 इंच के हैं। ये मेरा पुराना पीस है फ्रेंड्स, ये मेरी पुरानी बेडशीट का टुकड़ा है। अब हम ये बताते हैं फ्रेंड्स, ये मेरे 4.5 इंच का है। देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से ये मेरे 4.5 इंच का नाप है इसका। और ये मैंने 1.5 इंच की इसमें पट्टियाँ जोड़ी थी फ्रेंड्स, जिससे ये इस तरीके से जुड़ गई है। 1.5 इंच की पट्टियाँ जोड़ते ये देखिए इस तरीके से जुड़ेंगी फ्रेंड्स। तो मेरा ये बोर्ड मैंने आपको ऐसे ट्रायंगल शेप में काटना बता ही रखा है फ्रेंड्स, इस तरीके से। तो ये मैं आपको सिखा चुकी हूँ पहले भी, तो आप उसी तरीके से कट कीजिएगा। अब हम फटाफट इनका डिज़ाइन सेट कर लेते फ्रेंड्स। तो ये मैं मेरे 6 पीस का डिज़ाइन तैयार होगा इस तरीके से। ये बहुत ही खूबसूरत लगेगा फ्रेंड्स। इस तरीके से ये मेरा 1 पीस का डिज़ाइन सेट हो गया है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स ये हमने डिज़ाइन सेट कर लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, पहले इसको 3 को ऊपर करेंगे और 3 को नीचे छोड़ देंगे। तो सिलना भी मैंने आपको बताया हुआ है फ्रेंड्स। पहले हम इसको रखेंगे इसके ऊपर, कोने से कोने को मिला लेंगे। यहाँ पाइप, यहाँ पर पिन ज़रूर लगाइएगा फ्रेंड्स, यहाँ पर 1, 2, 3, इस तीनों कोने पे पिन ज़रूर लगाइएगा और यहाँ से सिल दीजिएगा। जब आप ये हो जाएगा फ्रेंड्स, तो फिर आप ये वाला पीस लीजिएगा और इसको भी इसी तरीके से पिन लगाइएगा और यहाँ से सिल दीजिएगा। तो हमारा ये पीस भी हो गया फ्रेंड्स। ऐसे ही हम ये नीचे वाला पीस तैयार करेंगे। तो मैं इनको सिल लेती हूँ फ्रेंड्स, और ऐसे ही हमें ये मेरा दूसरा पीस भी इसी तरीके से तैयार करना है। तो मैं करके दिखाती हूँ फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरा ये सिल गया है। मैंने पिन लगा के इसको अच्छी तरीके से सिला है। और जो हमारा ये कोना है, इसको हम हल्के से कट कर लेते हैं। तो ऐसे ये कोना निकला हुआ है, इसको भी हम हल्के से कट कर लेते हैं इस तरीके से। तो ये हो गया हमारा। अब हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, अब हम इसको जॉइंट करेंगे। तो हम ऐसे पलट लेंगे और हमारा जहाँ ही हमारी सिलाई रुकी हुई है बीच में पॉइंट से, इसी पॉइंट से हम एक पहले पिन लगा लेंगे। ये हमने देखिए इस तरीके से ले लिया और इस कोने से हमने निकाल लिया और इसको हम इस तरीके से कर देंगे फ्रेंड्स। तो ये हो गया। अब हमारे बिल्कुल कोने से कोने जोड़ मिले होने चाहिए फ्रेंड। तो देखिए, मैं यहाँ पे भी एक पिन ये लगा लिया मैंने। ऐसे ही हम इसको लगाएंगे यहाँ से बिल्कुल। ये देखिए, ये पिन हो गई। एक पिन यहाँ लगाएंगे, इससे क्या है फ्रेंड्स, हमारा डिज़ाइन छोटा बड़ा नहीं होगा, हर कपड़ा एडजस्ट हो जाएगा। तो ये देखिए, 3 पिन मेरी यहाँ लग गई है, एक सेंटर में, यहाँ बीच में लग गई है। अब हम इस वाले को भी करेंगे ऐसे ही। तो इस पे भी हम इसी तरीके से पिन लगा लेंगे आराम आराम से। ये देखिए बिल्कुल सिलाई पे धानिया में। तो ये भी हमारा कोना हो गया। अब हम इसको भी ऐसे ही जोड़ देंगे। तो धीरे धीरे करके हमने ये अपने सारे जोड़ों पर पिन लगा लिए फ्रेंड्स इस तरीके से। तो अब हम इसको इस तरीके से यहाँ से सिल देंगे फ्रेंड्स।
तो मैं आपको सिल के दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरा ये सिल गया है और अब मैं इसको ओपन कर रही हूँ। तो देखिए बिल्कुल जोड़ से जोड़ सारे मिले हुए आए हैं, बिल्कुल डिजाइन बिल्कुल पूरी तरीके से फिनिशिंग से आ गया है, तो कहीं से छोटा बड़ा नहीं हुआ है। तो इसी तरीके से मैंने अपना दूसरा पीस भी तैयार कर लिया है फ्रेंड्स। तो देखिए मेरा दूसरा पीस भी तैयार हो गया है। तो सबसे पहले अब क्या करेंगे, अब हम इसको इस कपड़े पर रखेंगे। तो ये मेरे पीस हो गया इस तरीके से, हम इसको इस तरीके से रखेंगे फ्रेंड्स। और फिर इसके बाद हमारा जो बोर्ड है हम उस बोर्ड का इस्तेमाल करेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये बोर्ड ले लिया है, अब हम इसको इस तरीके से रखेंगे। लेकिन हमें इस बोर्ड से थोड़ा सा एक्स्ट्रा बड़ा चाहिएगा, पर ये हमारा बोर्ड थोड़ा छोटा है, पर हम पहले निशान लगा लेते हैं, फिर उसके बाद हम इसको थोड़ा थोड़ा बढ़ा लेंगे। तो हम इसी डिज़ाइन से नहीं काटेंगे फ्रेंड, हम थोड़ा एक्स्ट्रा लेके कट करेंगे। तो देखिए ये हमने निशान लगा लिया है, पर हम इसी निशान से नहीं काटेंगे, हम इसे थोड़ा और बड़ा करके काटेंगे। तो ये हो गया, तो हम इसको भी ले लेते हैं, ये भी हमने ले लिया अपना पीस इस तरीके से। इसको भी हम ऐसे ही गोल गोल निशान लगा लेंगे और इसको भी हम हल्का सा बड़ा करके कट करेंगे। तो हमारा ये भी हो गया फ्रेंड्स। तो पहले मैं इसको यहाँ से कट कर लेती हूँ दोनों पीस को, फिर आपको दिखाती हूँ फ्रेंड्स। तो देखिए फिर फ्रेंड्स, मैंने ये कट कर लिया है, अब हम क्या करेंगे, अब हमारे जो ये दो पीस हैं हम इनको लेंगे और इसको इसके ऊपर रख लेंगे अच्छी तरीके से। तो ये हो गया और इसको भी हमने इसके ऊपर रख लिया फ्रेंड्स। अब हम इस पर पिनअप कर देते हैं, जिससे कि हमारा ये जो कपड़ा है वो आपस में अच्छी तरीके से जुड़ जाए। तो देखिए इस तरीके से ये बहुत अच्छी तरीके से जुड़ जाएगा फ्रेंड्स, और बहुत ही अच्छा डिज़ाइन बनके तैयार होगा। तो आप ये सब कुछ सिलने के बाद इन सब पे प्रेस करना ना भूलिए। सिलने से पहले कपड़े पे प्रेस ज़रूर करीजिएगा, जिससे कि हमारी कोई सलबट वगैरह ना आए। तो देखिए ये हो गया, अब हम इस पे इस तरीके से सिलेंगे फ्रेंड्स। हम एक कलर चूज़ करेंगे, मैंने ये कलर चूज़ किया है, तो मैं इसी तरीके से ऐसे राउंड राउंड करके इस तरीके से एक सिलाई लगा लूँगी, फिर उसके बाद दूसरी सिलाई यहाँ से लगा लूँगी ऐसे घुमा के, और फिर तीसरी सिलाई मैं यहाँ से लगाऊँगी। जब तीसरी सिलाई लगा दूँगी फ्रेंड, उसके बाद मैं राउंड राउंड सिलाई लगाऊँगी फ्रेंड्स, इससे हमारा कपड़ा अच्छी तरीके से जुड़ जाएगा। तो ऐसा ही मैं इस पीस के साथ करूँगी और ऐसा ही मैं इस पीस के साथ करूँगी फ्रेंड। तो मैं आपको सिल के दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसमें सारे में सिल लिया है, सारे में सिलाई लगा ली है। देखिए मेरा पूरा अच्छी तरीके से फिनिशिंग से सिल गया है। ये देखिए पीछे ये थ्रेड जो दिख रहा है वो भी एक डिज़ाइन की तरह तैयार हुआ है। तो ऐसे ही हमें सिलना था फ्रेंड, तो हमने ऐसे ही सिल लिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम ये अपनी पाइपिंग पट्टी लेंगे और इसको हम इसके पीछे से जॉइंट करना शुरू करेंगे। तो यहाँ से हम इसको पहले इसको हम थोड़ा सा कट कर लेते हैं, ये हमने कट कर लिया। अब हम इसको थोड़ा सा इस तरीके से फोल्ड करेंगे और फोल्ड करने के बाद इसको हम इस तरीके से चारों तरफ पूरा अच्छी तरह का गोल करके इसको हम सिल देंगे। तो मैं पहले पिनअप कर लेती हूँ फ्रेंड्स, फिर आपको दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने अपनी ये पिन लगा ली है और अब हमें इसी तरीके से सिलना है। तो हम एक एक पायदान की सिलाई सिल लेंगे और ये पट्टी हमारी 1.5 इंच चौड़ी है, तो हमें इसी तरीके से
सिल लेना है। तो मैं सिल लेती हूँ फ्रेंड्स। और हाँ, जब हमारा ये जॉइंट यहाँ आ जाए तो हमें सिर्फ आधा इंच कपड़ा इसके ऊपर रखना है, इसके ऊपर से निकाल देना है। बाकी का पीस हम यहाँ से ये पीस कट कर लेंगे। तो मैं आपको सिल के दिखाती हूँ फ्रेंड्स। ये देखिए फ्रेंड्स, मेरी पाइपिंग पट्टी जुड़ गई है। कभी भी पाइपिंग पट्टी को सिलने में कभी भी ज़्यादा खींच के पट्टी नहीं लेनी चाहिए, वरना कपड़े में जो लचक रहती है वो ख़त्म हो जाती है। तो हमेशा हल्के हाथ से ही पाइपिंग को जोड़े। तो देखिए ये मेरा हो गया। अब हम यहाँ इसमें बीच बीच में से हल्के हल्के कट लगा लेंगे। और कट लगाने के बाद हमें इस तरीके से इसको पाइपिंग की शेप देके हमें इसको सिल लेना है। तो हम इस तरीके से इसको सिल लेंगे फ्रेंड। तो हम ऐसे ही सारे में सिलते चलेंगे। तो हमें पहले हल्के हल्के कट देने हैं फ्रेंड्स। तो हम हल्के हल्के से कट दे देते हैं, जिससे कि हमारा ये कपड़ा अच्छी तरीके से सेट हो जाए। तो हम इसको भी सिल लेते हैं फ्रेंड्स, और इसको भी सिल के आपको दिखाते हैं फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरा ये तैयार हो गया है ये पीस। तो देखिए, ये मेरा रोटी का रुमाल है, जिसे चपाती का रुमाल भी बोलते हैं। तो ये देखिए, मेरा ये रुमाल तैयार हो गया है। और देखिए कितना खूबसूरत डिज़ाइन लग रहा है फ्रेंड्स। आपको किसी ने भी इस तरीके का डिज़ाइन यूट्यूब पे नहीं दिखाया होगा फ्रेंड्स। तो आप भी ऐसे सुंदर सुंदर डिज़ाइन बनाइए, और मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अभी के लिए बाय।